नमक, हरी मिर्च और घी डाल दिया है इस चावल बॉईल के लिए, और हल्की करनी पे हम इसको निकाल लेंगे। आज हम बना रहे हैं जी हैदराबादी दम बिरयानी, और ये थोड़ी सी अलग होती है, और के साथ शेयर करेंगे इसका एक्सपीरियंस। तो आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी बिरयानी, और कमेंट ज़रूर कर दिया करें यार। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिया करें वीडियोस को दूसरों के साथ, ताकि मेरा चैनल जल्दी जल्दी ग्रो कर सके। तो हम कंटिन्यू करते हैं आगे, और हम इसको ढक कर रख देंगे। अदरक लहसुन और मसाला जो है ना, वो हमने रख दिया, अब इसको मिक्स करेंगे सही से। अदरक लहसुन के पेस्ट में शान बम्बई बिरयानी मसाला या नेशनल बम्बई बिरयानी मसाला, कोई सा भी आप लेके इस तरह से मिक्स कर लें। ये रही हमारी चिकन, और अब हम इसमें मसाले में ऐड कर देंगे इस चिकन को। कुछ इस तरह का हो गया वह मसाला। तो ये हम अच्छे से मसाला लगा लेंगे, ताकि कोई भी जगह खाली ना रहे। और ये जो है ना रेसिपी थोड़ी लंबी होने वाली है, आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा। मैं हर रेसिपी में ये चीज़ कहती हूँ कि आप फॉलो करें या ना करें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इस पर कहूँगी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। ये एक अलग किस्म की होने वाली है, क्योंकि ये है जी कराची में हम बना रहे हैं हैदराबादी दम बिरयानी। मसाला अच्छे से लग चुका हुआ है, और इसको थोड़ी देर हम फ्रीज कर लेंगे, और दूसरी चीज़ें जो है ना वो रेडी कर लेंगे, प्याज टमाटर वगैरह। तो हो चुका है बॉईल, अब हम इसमें डाल देंगे धुले हुए चावल, और ये जी जा रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल जब एक कन्नी पे आ जाएंगे, तो फिर हम इसको निकाल लेंगे छन्ने में। दूसरी तरफ हम जो है ना वो चिकन को पका लेते हैं, कौरमा बना लेते हैं। जब तक ये बॉईल होते हैं, तब तक दूसरी तरफ हम जो है ना वो बिरयानी का, हैदराबादी दम बिरयानी का कौरमा बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बना रहे हैं दम बिरयानी हैदराबादी, और उसके लिए हमने गर्म तेल कर लिया है, उसमें हम ऐड करेंगे जी प्याज। गर्म तेल में प्याज आ गया, वेलकम टू अनदर वीडियो। और आज हम बना रहे हैं हैदराबादी दम बिरयानी, उसके लिए हमने गर्म तेल में प्याज डाल के ब्राउन कर लिया हुआ है। चिकन को अदरक लहसुन का पेस्ट और बम्बई बिरयानी मसाला, कोई सा भी आप लगा लें, शान वालों का या नेशनल वालों का, वो लगा के उसको फ्रिज में रख दिया आधे घंटे के लिए। और दूसरी तरफ एक कन्नी में चावल हमने निकाल लिए हैं। चावल बॉयल करने का बहुत आसान तरीका है, आप हरी मिर्च, घी और नमक डाल के पानी को बॉईल करें, फिर चावल डालें और एक कन्नी में आप निकाल दें, ताकि खिले खिले से चावल जो है ना वो आपकी बिरयानी की शान बढ़ा सकें। तो बिरयानी हो और खिले चावलों वाली हो, वरना ना हो।
बिस्मिल्लाह, प्याज हो चुका है हमारा ब्राउन। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी ये मसाला लगा, अदरक लहसुन और बिरयानी मसाला लगा के रख दिया था चिकन, अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाह, टेंडर चेक करें आप चिकन का, और अब इसको अच्छे से भूनना है। अभी इसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ प्याज ब्राउन हुआ था और चिकन डाल दी थी जो मसाला लगा के रखी हुई थी। माशाल्लाह, सीख रही हूँ मैं, सीख चुकी हूँ। ये जी अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर और हरी मिर्चें कट लगी हुई। ये आगे जी टमाटर और हरी मिर्चें कट लगी हुई, उसको अच्छे से पकाएंगे मज़े में। आप और स्पाइसेस ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं भी करूँगी। बिरयानी हो और मसालेदार ना हो ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप अपनी तरह से भी डाल सकते हैं मसाले। मैं भी थोड़े से एक्स्ट्रा ऐड करूँगी, सिर्फ एक पैकेट पे नहीं रहेंगे हम अपने मसाले अलग से ऐड करेंगे, जिसमें नमक मिर्च और थोड़ी सी हल्दी होगी। हल्दी मुझे ऑलरेडी मसाले में बहुत ज़्यादा लग रही है, तो मैं सोच रही हूँ सिर्फ नमक मिर्च ही ऐड करूँ और कुछ ना करूँ। तो आप अपने हिसाब के मुताबिक भी डाल सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, हुकूमत की तरफ से कोई टैक्स नहीं है। टमाटर के बाद थोड़ा भूनने के बाद हम ऐड करेंगे जी नमक, आपकी मर्ज़ी है, आप भी ऐड कर सकते हैं अलग से, सिर्फ एक पैकेट के मसाले पे ना रहें, और जो है ना हुकूमत की तरफ से कोई टैक्स नहीं है इस पर, आपकी मर्ज़ी है। ये जी हमारा कोरमा तैयार हो चुका हुआ है, जो कि हैदराबादी दम बिरयानी का है, जो उसने हमारे दम निकाल दिए। और ये अब आ गए जी बीच में आलू। आप बताएं आप कौन से वाले हैं, आप वो वाले बंदे हैं जो आलू, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप सिर्फ चिकन वाले बंदे हैं या सिर्फ आलू वाले बंदे हैं या दोनों वाले बंदे। मैं तो भाई दोनों वाली वाली बंदी हूँ, क्योंकि मुझे ना दोनों चाहिए बिरयानी में, बिरयानी की प्लेट हो चिकन हो आलू ना हो तो बात नहीं बनती, इसलिए चिकन आलू बिरयानी में दोनों होने चाहिए, मेरा ये मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तय लगा लेते हैं और फिर उसके बाद दम के बाद बिरयानी हो जाएगी दम वाली तैयार, फिर आपको दिखाएंगे। जी एक लहर कोरोना की अब ये दूसरी लहर। ये जी दम बिरयानी का हो गया कोरमा तैयार, और अब हम इसमें लगाएंगे तय, फिर लगाएंगे दम, और फिर दम वादम मस्त कलंदर, और फिर बिरयानी खाएंगे हम दम वाली हैदराबादी बिरयानी।
फाइनली दम बिरयानी का दम हमने रख दिया हुआ है और इसके बाद का भी मंजर आपको दिखाएंगे। और उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो उसके चक्कर में आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है वीडियो को और सब्सक्राइब करना है चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनों मेरे अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। ये आ गई जी हमारी बिरयानी, अब हम इसको खाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज और टमाटर के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह बिरयानी अच्छी से रेडी हो गई भी, अब टेस्ट की बारी है, अब टेस्ट करके बताते हैं। और चिकन भी बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं टूट रहा है। थोड़ा सा चिकन, एक दो टमाटर, एक दो प्याज, थोड़ा सा आलू और चावल, ये हो गई जी हमारी बाइट तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। सही बन गई है।